हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो हाउ टू ब्लॉक एडल्ट कंटेंट इन आईफोन। आज की इस वीडियो में हम किसी भी आईफोन में हर तरह का एडल्ट कंटेंट ब्लॉक करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप सेंसिटिव कंटेंट को आईफोन से ब्लॉक करना चाहते हैं तो देखते हैं कि हम किस तरह से सेंसिटिव कंटेंट को आईफोन में ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपने आईफोन की सेटिंग ओपन करनी है। आईफोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपने स्क्रीन टाइम में जाना है। स्क्रीन टाइम जब ओपन करेंगे तो इसके बाद आपने कंटेंट एंड प्राइवेसी को ओपन करना है। कंटेंट एंड प्राइवेसी ओपन करने के बाद अगर ये डिसेबल है तो आपने इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से जो वेब ऑप्शन है आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वेब कंटेंट का ऑप्शन होगा, आपने वेब कंटेंट में जाना है। वेब कंटेंट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने जो सेकंड ऑप्शन है लिमिट एडल्ट वेबसाइट्स का, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके सामने दो ऑप्शन और ओपन होंगे, जैसे कि अगर आप नेवर अलाउ पर जाते हैं, यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट को ऐड करके इसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपने जिस एडल्ट वेबसाइट को, जिस सेंसिटिव कंटेंट वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप करता हूँ, उसके बाद आपने यहाँ से डन करना है तो वो जो वेबसाइट होगी वो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपने लेफ्ट साइड पर इसे स्वाइप करना है तो यहाँ से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी स्पेसिफिक वेबसाइट को भी ऐड करके इसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से लिमिट एडल्ट वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। इस तरह से आपके आईफोन में बहुत सारा जो एडल्ट कॉन्टेंट है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।